हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम गाजर का अचार बनाएंगे, जो हम कभी भी फ्रेश बनाकर खा सकते हैं। चलो बनाना शुरू करें गाजर का अचार। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, जिसे छिलकल इस तरह से काट लिया है, रायकुरिया, नमक, हींग, हल्दी, कुकिंग ऑयल, मिर्च पाउडर और नींबू का रस। सबसे पहले हम गाजर में हल्दी और नमक मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से नमक और हल्दी मिक्स करने से अचार का टेस्ट तो बढ़िया बनता है, साथ में ये ज़्यादा समय तक खराब नहीं होता। इसे हमें इस तरह से स्प्रेड करना है कि सारे गाजर के ऊपर इसका एक लेयर सा बन जाए। अब इसे 8 आवर्स तक ढक कर रख देंगे, ताकि नमक और हल्दी गाजर में अच्छे से लग जाए। हम इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे। तो ये नमक और हल्दी गाजर में अच्छे से लग गई है। अब हमें इसे धूप में सुखाना है। हम इस तरह से गाजर की चीरी को सुखाएंगे। इसे हम कॉटन के कपड़े में भी स्प्रेड करके सुखा सकते हैं। करीबन 6 घंटे इसे सुखाना है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें रायकुरिया को हाफ क्रश करना है। हमें रायकुरिया को इस तरह से हाफ क्रश ही करना है। इसमें हींग, नमक, मिर्च पाउडर, नींबू का रस और कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को हमें गर्म करके ठंडा कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे अब हम ढक कर रख देंगे और 6-7 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। गाजर की चीरी को इस तरह प्रेस करने पर पानी नहीं दिख रहा, बस इतना ही इसे सुखाना है। पूरी तरह से इसे ड्राई नहीं करना है, थोड़ा नरम ही रखना है। अब हम गाजर की चीरी पर मसाला लगा देते हैं। सारी चीरी पर हमारा मसाला लग गया है और ये हमारा गाजर का अचार बनकर तैयार हो गया है। हम इसे 1-2 दिन के बाद खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है। इसे फ्रेश बनाकर हम कभी भी खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और साथ में आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप मेरी सारी वीडियो देख सकें। थैंक यू।